हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुंतकरिया। सो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो थी मिसलेनियस उसको पूरा कंप्लीट कर दिया था, और हमने कहा था कि आज वाले वीडियो में हम आपके लिए कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर के एडवांस लेवल के, उनको डिस्कस करेंगे। सो मैंने उन क्वेश्चन को निकाल लिया है, सभी को लिख लिया है पेज पर, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, ये दो वीडियो में आपको डिस्कस हो जाएंगे और उन्हीं को स्टार्ट करते हैं आज। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिंपल लेवल पे हैं जो आप लोग खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को हम ही करवाएंगे। बाकी और जो अदर्स क्वेश्चन है उनका लेवल अच्छा है, आप जब उन्हें लगाएंगे तो वहाँ लगेगा कि एक अच्छे लेवल से हैं, एनसीईआरटी से बेटर लेवल के हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड, सॉल्व करना है हमें, सॉल्व करने का आ गया है सॉल्व कॉस टेन इनवर्स 3/4। क्या था गया, सॉल्व कॉस टेन इनवर्स 3/4, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स आ रहा है, बाहर क्या है यहाँ पर कॉस, तो हमने कहा था जब हम इन्हें इलिमिनेट करेंगे हटाएंगे तो हमें यहाँ पर भी कॉस इनवर्स ही चाहिए। जब ये कॉस इनवर्स होगा ये भी कॉस होगा, दोनों हट जाएंगे, हमारे अपने आप ये जो भी वैल्यू होगी निकल के आ जाएगी। अब टेन इनवर्स को कॉस में बदलने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, टेन इनवर्स एक्स को जब कॉस में बदलते हैं तो फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स क्या था, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके टर्म में, कॉस इनवर्स के टर्म में। तो उसी बेसिस पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये कॉस लिखा हुआ है ये टेन इनवर्स है, तो जब हम इसको बदलेंगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 3/4 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो गया 9/16 हो गया कॉस कॉस इनवर्स। इसको सॉल्व जो हम करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 25/16, तो कॉस कॉस इनवर्स दोनों हट जाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास में 25 बाहर आएगा कितना हो जाएगा 5/4 ऊपर चला जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 4/5। ये एक आसान लेवल का क्वेश्चन था, ये कोई हाई लेवल नहीं था, ये आसान लेवल था, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चंस आपको अदर्स बुक में लाइक आरडी शर्मा, आरएस अकबाल या बालाजी इनमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, देख लेना जहां पर भी हो। बस हमने जो अच्छे लेवल थे उन्हीं लेवल क्वेश्चन को उठाया, बाकी सब बाकी तो लगी जाएंगे क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी में बताया था उसी बेसिस पे थे। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए इक्वल टू हमें प्रूव करके लाना है 0, इक्वल टू हमें प्रूव करके लाना है 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी टेन इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास होता है। अब अगर हम देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। फर्क क्या आ रहा है, यहां पर x और y है, यहां पर x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर क्या है b, बाकी दोनों मैच कर रहे हैं। सो अगर हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को ये लिख सकते हैं, सो हम कन्वर्ट करके इसको भी तो ये लिख सकते हैं, मतलब हम tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो उसी बेसिस पे इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा जो लिखा ये क्या लिखा, tan इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स बी, इसको अगर हम देखें ये हमारा क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, ये क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। तो इनको देखो सॉल्व करेंगे तो देखो सब कैंसिल हो रहा है, ये देखो यहां कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स सी कैंसिल, टेन इनवर्स बी कैंसिल, हमारा क्या आ जाएगा 0, जो हमें प्रूव करके लाना था, ये हमारे यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ था। सो ये आसान सा क्वेश्चन था एक और।
इसके हमने केवल फॉर्मूले ओपन किए हैं और उसके बाद कैंसिल होके ये क्या आ गया जी, तो इसको भी नोट कीजिए। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर थर्ड नंबर गिवन है इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई अपॉन टू। गिवन क्या गया इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू और हमें कहा गया देन प्रूव दैट, मतलब हमें प्रूव करके लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है इफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इक्वल टू वन है सॉरी इक्वल टू वन, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई टू है, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू वन लेकर आना। सो हम उठा लेते हैं जो हमें गिवन किया गया उसी को हम लेते हैं। गिवन है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई अपॉन टू। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड तीनों का एक साथ में फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड टोटल अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स इक्वल टू में क्या था पाई अपॉन टू। सो ये टेन इनवर्स जब यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा टेन पाई अपॉन टू हो जाएगा। यहां भी यही लिखा रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड टोटल अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। टेन पाई बाई टू मतलब टेन नाइनटी और टेन नाइनटी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन जीरो लिख सकते हैं और इधर अभी भी वही लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड टोटल अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। सो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन जीरो। नेक्स्ट लाइन में जो क्रॉस वर्ड करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा ऊपर वाली लाइन क्या होगी जीरो। इसका मल्टीप्लाई हम वन में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट लाइन में ये दोनों तीनों टर्म इधर माइनस क्या उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के एंड हमें मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और इक्वल में क्या लिखा है इधर पे वन और यही हमें प्रूव करना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू हैंस प्रूव। तो यही इसका पार्ट था। पहले हमने यहां पर फॉर्मूला ओपन किया यहां पाई बाई टू था पाई बाई टू लिखा हुआ है टेन इनवर्स को हमने उधर भेजा टेन पाई बाई टू हो गया टेन पाई बाई टू मतलब नाइनटी टेन नाइनटी वैल्यू वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट पर लिखा हमें वन अपॉन जीरो। इधर हमने इसको ट्रांसफर किया तो हमें ये सॉल्व करने को मिला ये तीनों टर्म माइनस थे उधर जाके प्लस हो जाएंगे और इक्वल टू वन हो गया। ये इसका सॉल्यूशन था नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से बनना। गिवन है फोर नंबर इफ कॉस इनवर्स एक्स वाई टू कॉस इनवर्स वाई अपॉन थ्री इक्वल टू थीटा यही दिया गया और कहा गया है देन प्रूव दैट देन प्रूव दैट प्रूव करवा रहे हैं नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस थीटा प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स साइन स्क्वायर थीटा ये लेकर आना है। कॉस इनवर्स एक्स वाई टू प्लस कॉस इनवर्स वाई वाई थ्री इक्वल टू थीटा दिया गया और कहा गया देन प्रूव दैट नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स वाई कॉस थीटा
प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। सो जो गिवन है वहीं से लेके चलते हैं। गिवन है cos इनवर्स xy2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 3 इक्वल टू थीटा, ये गिवन है। यहां फार्मूला क्या लग रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का लग रहा है, बट फर्क है x के प्लेस पे x अपॉन 2 है, y के प्लेस पे y अपॉन 3 रखना है। तो फार्मूला वही अपना ओपन करते हैं, cos इनवर्स फॉर्मूला था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, cos इनवर्स x y मतलब x अपॉन 2 इनटू y अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन 4 इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, सो y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू में थीटा। तो नेक्स्ट टाइम देखना ये x इनटू y कितना हो जाएगा, xy अपॉन 6। यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 है, एलसीएम कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, यहां पर जब सॉल्व करेंगे ये 9 होगा तो 9 यहां एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, ये कॉस इनवर्स उधर चला गया तो जैसे ही उधर जाएगा ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा। अब हम माइनस वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, अंडर रूट वाले टर्म उस साइड पर कर लेते हैं, बिना अंडर रूट वाले टर्म इधर ले आते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है एक्स वाई अपॉन 6, ये cos थीटा प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और यहां देखिए ये बाहर आ सकते हैं 4 और ये 9 बाहर आ सकता है, बट ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रहेंगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर टोटल अपॉन, ये 4 बाहर आएगा कितना हो जाएगा 2, 9 बाहर आएगा कितना हो जाएगा 3, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया 6 एलसीएम आ गया, तो एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा टोटल अपॉन में 6 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, 6 और 6 क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब जो हमारे पास बचा वो ये बचा है, यहां पे है एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये बचा। अंडर रूट आने के लिए क्या करते हैं, इधर अंडर रूट लगाए स्क्वायर रूट लगाए, इसको डालेंगे क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो हमने स्क्वायरिंग कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे यहां तो होगा एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उस साइड पे अंडर रूट हट जाएगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर केवल ओपन करना है, उसके बाद सॉल्व करना है और जो हमें चाहिए ना वो हमें मिल जाएगा, देख लेना। यहां होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा, सॉल्व करने पर आया ये इक्वल में, तो इक्वल यहां लगा दे रहे हैं, ये वैल्यू यहां पर आ रही है, इक्वल में इनका मल्टीप्लाई होगा तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 का 36 माइनस का 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पूरी लाइन एक ही साथ है, मतलब इसके बाद ही इक्वल में इधर आएगा, ठीक है उधर प्लेस स्पेस कम है इसलिए हमने नीचे लिख दिया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल के उधर भी है, तो दोनों टर्म आपस में क्या हो गई है कैंसिल, जो जो हमारे पास बचा हुआ हमें देखना है, ये दोनों टर्म इधर माइनस के थे टर्न होकर इधर ले जाओ, जैसे इधर आएंगे ये हो जाएंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा, ये वाला टर्म यहां लिख दिया, ये प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा है तो प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा और इक्वल में यहां क्या बच गया 36। अगर हम प्रूविंग को चेक करें तो प्रूविंग में cos स्क्वायर ना आके क्या आ रहा है sin स्क्वायर, तो सीधी बात है कि cos स्क्वायर को बदलना पड़ेगा किसमें sin स्क्वायर में, तो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 36
कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पर, 36 का हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बदल के मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गया 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल में क्या आ जाएगा, 36, क्योंकि पहले का लिखा हुआ था, तो 36 और 36 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर। ये माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर, और ये माइनस का 36 sin स्क्वायर थीटा था इस साइड पर, इक्वल के उस साइड पर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 36 sin स्क्वायर थीटा, और यही होगा हमारा हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करके लाना था, 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। सो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, स्पेस कम था, इसलिए मैं थोड़ा कंजेस्टेड लिखा है, ध्यान समझ लेना, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन गिवन था cos इनवर्स x/2 + cos इनवर्स y/3 = थीटा, ये प्रूव करके लाना था। सो हमने क्या किया, यहां पहले फार्मूला लगाया cos इनवर्स x + cos इनवर्स y। सो cos इनवर्स xy x/2 y/3 का xy √1 - xy2 का स्क्वायर करोगे ये आएगा, y/3 का स्क्वायर किया y2 / 9 = में क्या लिखा थीटा, वैसे लिखा होगा। अब ये cos इनवर्स उस साइड पे गया, ये क्या बन गया cos थीटा, इसको सॉल्व किया xy / 6 4 - x2 / 4 9 - y2 / 9, इनको हमने जब देखा कि इधर अंडर रूट वाले थे इनको उधर ट्रांसफर कर दिया, जैसे उधर गए प्लस हो गए cos थीटा प्लस का, इधर आके क्या हो गया माइनस। यहां पे एलसीएम लिया तो ये 6 एलसीएम आएगा, यहां पर भी 6 था, एलसीएम लेके हमने 6 और 6 क्या कर दिया कट कर दिया, दोनों 6 कट गया। अब हमारे पास ये आया अंडर रूट आने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर कर लिया तो यहां हो गया xy - 6 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 4 - x स्क्वायर 9 - y स्क्वायर। उसके बाद हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया एंड सॉल्व किया, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये लाइन आ गई 9, देखना चाहिए हमने माइनस के ही दोनों टर्म इधर ले आए हैं, पॉजिटिव हो गए 9x स्क्वायर + 4y स्क्वायर, ये दोनों टर्म जो इस साइड पे लिखे थे इक्वल के दोनों इस साइड पर आ गए तो ये पॉजिटिव हो गए माइनस 12xy cos थीटा प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ इक्वल टू 36 cos स्क्वायर थीटा, हमने क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 36 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो गया 36 माइनस 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 36 कैंसिल हो गए और जो हमारे पास आया यही हमें क्या करना था प्रूव करना था 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी योर आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन और था यहां पर 2 के प्लेस पर a आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, a आ सकता है, यहां पर क्या आ सकता है b आ सकता है, मेथड यही है, मेथड कोई चेंज नहीं करना है उसको भी इसी तरीके से, बस फर्क क्या है जहां पर 3 एंड 2 चल रहे थे वहां पर a और b आएगा, यहां हर जगह क्या आएगा a और b आएगा, तो लास्ट में प्रूव में भी कहीं ना कहीं क्या आएगा a एंड b ही आएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन और था उसको लगा लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 1 इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4। ये देखिए हमें केवल इसको सॉल्व करना था और कुछ नहीं है, यहां पर थोड़ा देखना पड़ेगा ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, बस इतना ही है, ठीक है। So, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n प्लस 1। सो यहां फॉर्मूला किसका लग रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, सो tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लगा दो बस सॉल्व हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 टोटल अपॉन 1 प्लस n अपॉन n प्लस 1
एन टू में क्या आएगा, टू एन माइनस वन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम एलसीएम लेते हैं। सो यहां पे एलसीएम क्या आएगा, एन प्लस वन आएगा, एलसीएम एन प्लस वन हो गया। ये एन माइनस टू एन प्लस वन इन टू में एन प्लस वन टोटल कौन, यहां पर भी एलसीएम क्या आएगा, एन प्लस वन आएगा। तो ये वन प्लस एन का मल्टीप्लाई यहां, ये एन प्लस वन इधर आ जाएगा, एलसीएम पूरे में हमने लिया, एन का मल्टीप्लाई यहां कर दे रहे हैं, ये हो गया टू एन स्क्वायर माइनस एन, एन प्लस वन कैंसिल, एन और एन कैंसिल। सो यहां पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा एन माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे टू एन स्क्वायर, टू एन का और यहां करेंगे माइनस का टू एन, माइनस का एन एंड माइनस का वन, टोटल अपॉन ये हमारा क्या लिखा है, टू एन स्क्वायर प्लस। और ये 2n प्लस 1 था, तो यहाँ भी 2n प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर ये प्लस पॉजिटिव का एन होगा। एक मिनट यहाँ देख लो, ये 2n प्लस 1 था तो यहाँ पर 2n प्लस 1 होगा, और जब 2n प्लस 1 होगा तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस का n होगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये n और ये n कैंसिल हो गया, tan इनवर्स यहां से यहां से और यहां से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन किया हमें मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 टोटल अपॉन, ये ऑलरेडी से पहले से नीचे लिखा था 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां बचेगा tan इनवर्स में माइनस 1, और tan में माइनस 1 कब आता है, 135 मतलब 3 बाय 4 पे आता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 4 राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना है, इसमें बस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद सॉल्व हो गया। ओके, नोट कर लो, ओके सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू वन, चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, वन प्रूफ करना है, गिवन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। सो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं, हम यहां पर लेट कर ले, हमने लेट कर लिया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, अगर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है तो यहां से निकल के आ जाएगा एक्स इक्वल टू क्या, कॉस, अगर एक्स इक्वल टू, हमने कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए लेट किया, कॉस इनवर्स इधर जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस है, सिमिलरली कॉस इनवर्स वाई को क्या लेट कर लिया, बी, सो नेक्स्ट लाइन हमें मिल जाएगा बी इक्वल टू कितना, कॉस बी, कॉस इनवर्स जेड को लेट कर लिया सी, सो हमें यहां से जेड मिल जाएगा क्या, कॉस सी। अब कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ए, क्योंकि हमें ये की भी है, ये इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान ली, सो हम फर्स्ट में जा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने यहां पर a रखा, प्लस cos inverse y के प्लेस पे कितना आया, b, cos inverse z के प्लेस पे कितना आया, c, इक्वल टू में कितना हो गया, पाई, पाई हो गया। अब दो एंगल हमने यहीं पर रख लिए, a प्लस b को हमने यहीं रख लिया, और ये पाई माइनस c हो गया, a प्लस b इक्वल टू पाई माइनस c, c को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, यहां तुम a और c को भी रख सकते हो, b को भी ट्रांसफर कर सकते हो, आ उससे भी जाएगा। अब हमने क्या लिया, टेकिंग cos both साइड, हमने दोनों साइड पे कौन सा एंगल लिया, taking cos, हमने दोनों साइड पे cos यूज किया, तो ये हो जाएगा cos a plus b equal to cos pi minus c,
cos a plus b equal to cos pi minus c. cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b minus sin a sin b equal to cos 180 minus theta minus का cos c हो जाएगा. ये cos से इधर minus का है, इधर आएगा plus का. ये हो गया नेक्स्ट लाइन में cos a cos b प्लस cos c. ये sin a sin b माइनस के उस साइड पे जाएंगे प्लस के, तो इक्वल टू ओके उधर जाके होगा sin a एंड sin b, sin a sin b. अब हम यहां पर वैल्यू रखना है cos a cos b cos c की, sin a एंड sin b की. sin a sin b की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम cos a और cos b का यूज करके निकाल सकते हैं. सो cos a कितना है हमारा x, cos b कितना है y, cos c कितना है z. sin a नहीं है, लेकिन sin a को क्या लिखते हैं? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर. sin a को क्या लिखते हैं? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर. और cos a की वैल्यू x है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर. जी हां, सो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? x y ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट होने के क्या कर लेते हैं? स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो जैसे यहां स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. यहां जब हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करके हटाएंगे ये आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये आएगा वन माइनस वाई स्क्वायर. वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर. हमें इसको सॉल्व करना है वाई स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल, इनका मल्टीप्लाई करना है. तो ये आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का मल्टीप्लाई किया माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर दोनों इस साइड पर आएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इधर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था प्लस का जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या लिखा हुआ है टू एक्स वाई जेड इक्वल टू में क्या बचा वन. तो बस हैंड्स प्रूफ ये प्रूफ करना था. सो देख लेना एक बार समझा देते हैं. कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स इक्वल टू कॉस ए. कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लिख दिया बी, देन वाई इक्वल टू कॉस बी. कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू सी, देन जेड इक्वल टू कॉस सी. अब जो कॉस इनवर्स एक्स ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां हमने पुट कर दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया पाई, यहां पर आ गया. अब a प्लस बी को यहीं पर रोक लिया, c को उधर ट्रांसफर किया, ये बन गया पाई माइनस सी. ए प्लस बी पाई माइनस सी है यहां पर. हमने टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड दोनों तरफ क्या ले लिया कॉस लिया. सो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा. कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस सी. अब ये माइनस का टर्म था, उस साइड पे ट्रांसफर किया पॉजिटिव, ये माइनस ना इस साइड पे है पॉजिटिव, तो ये लाइन हमारे पास आ गई. अब हमें यहां पर cos a cos b sin a sin b की वैल्यू पुट करनी है जो हमें यहां से मिलेगी. यहां से cos a कितना है x रख दिया, cos b y एंड cos c z. sin a हमारे पास नहीं है, लेकिन sin a को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a एंड अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड दिस विल बी अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड स्क्वायर करके कैंसिल किया, हमें जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया. ओके सो नोट डाउन. ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये साइन में पीछे वाला था वो कॉस में था, ये साइन में साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई. और यहां पर प्रूव करना है देन प्रूव दैट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
y under root 1 minus y square, z under root 1 minus z square equal to 2xyz. x under root 1 minus x square plus y under root 1 minus y square plus z under root 1 minus z square equal to क्या आप लोग कर लिया 2xyz. ये देखना है, तो देखते हैं. फिर वही चीज हमें यहां पर लेट करनी पड़ेगी. हमने यहां पर फिर लेट किया sin inverse x equal to a. अगर sin inverse x equal to a है तो यहां से तुरंत निकल के आएगा x equal to कितना sin है. sin inverse y equal to b है तो तुरंत यहां से निकल के आएगा y equal to कितना sin b. sin inverse z equal to c है देन यहां से निकल के आएगा z equal to कितना sin c. x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई. इन वैल्यूज को उठा के हम यहां रख देते तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी कि a plus b plus c की वैल्यू कितनी होगी pi. a plus b plus c कितना होगा pi होगा. अब हम देखते हैं जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, जो हमें प्रूव करवा रहा है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. लेफ्ट साइड है हमारे पास में x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर. x की वैल्यू कितनी है sin a, y की वैल्यू sin b, z की वैल्यू sin c. यहां पुट कर रहे हैं सो ये हो जाएगा sin a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी साइन सी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट लगाया तो क्या हो जाएगा कॉस ए. साइन बी ऐसे रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस बी. सिमिलरली साइन सी और ये क्या होगा कॉस सी. ये हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, बस यहाँ एक चीज की कमी, यहाँ 2 मिसिंग है. अगर यहाँ 2 और होता तो 2 साइन ए कॉस ए क्या बनता साइन 2 ए, 2 साइन बी कॉस बी क्या बनता साइन 2 बी, 2 साइन सी कॉस सी क्या बनता साइन 2 सी. हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया और ओवरऑल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया. 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन बी कॉस बी एंड ये होगा 2 साइन सी कॉस सी. सो इसके आगे देखते हैं, ये 1 बाई 2 बना रहेगा साइन 2 ए, ये साइन 2 बी, ये साइन 2 सी. सो नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा साइन 2 ए साइन 2 बी और प्लस का साइन 2 सी. अब ये आपको 11th में मिला होगा, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन है 11th का, करते कैसे हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं उस बेसिस पे. तो ये सॉल्व होके आता है, मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज कर दे रहा हूँ. इसकी प्रूविंग अभी फिर ये बता दें ये कैसे आए, ये अभी हम अलग बता देंगे. हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट करते हैं, याद आ क्या हमारा ये निकल के आता है 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी. जब हम साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4 साइन a साइन b साइन c आता है. और ये 1 by 2 पहले का लिखा है, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a साइन b और ये साइन c. ये प्रूविंग अभी हम करवा रहे हैं, इसके बाद वाले पार्ट में हम इसको यही करवा रहे थे कैसे आया, ठीक है. बस ये 11th का है, आपको मिला होगा ये क्वेश्चन, फिर भी एक बार हम करवा देते हैं. सो 2 से कैंसिल किया, ये हो गया 2 साइन a साइन b साइन c. साइन ए की वैल्यू कितनी है एक्स वाई हंड्रेड. सो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, हमें मिल जाएगा तुरंत 2 एक्स वाई जेड. ये हमारा क्या होगा राइट हैंड साइड. तो ये क्वेश्चन था इसमें, ये वाली चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये भी हम करवाएंगे, ये वैसे 11th का है फिर से एक बार हम करवाएंगे. बाकी क्वेश्चन में नया नहीं, केवल फॉर्मूला बनाया है, इससे डायरेक्ट ये आ गया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी और हमें मिल गया 2xyz. सो ये नोट कीजिए. ओके, सो जरा इसको देख लेते हैं कि कैसे आया, ये देख लीजिएगा जरा.
बाकी फिर अगला क्वेश्चन पे बात करवाते हैं। देखिए ये लाइन है हमारी 1/2 साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c। यहां फॉर्मूला कौन सा मान लग रहा है? साइन c प्लस साइन d का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बाय 2। ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन टू ए प्लस टू बी बाई टू इन टू कॉस। यहां पर क्या होगा? सी माइनस डी करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए माइनस टू बी अपॉन टू प्लस का ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? साइन टू सी। इस चीज को हटाते हैं, ये आ गया। अब ये टू ए प्लस टू बी है, तो अगर हम देखेंगे टू ए प्लस टू बी है और यहां टू से डिवाइड भी हो रहा है तो दूसरी दोनों हट जाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा? टू साइन ए प्लस बी आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। साथ में क्या लिखा हुआ है? साइन टू सी। तो अब यहां पर देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में एक चीज मिली थी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना? पाई। तो अगर यहां से a प्लस बी निकाले तो a प्लस बी कितना आएगा? पाई माइनस सी। हम यहां रख देते हैं 2 साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस सी इंटू में कॉस a माइनस बी और साइन 2c को फिर से लिख देते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी। 2 साइन सी इंटू कॉस सी। साइन 180 माइनस थीटा है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? 2 साइन सी हो गया इंटू में क्या है? कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी कॉस सी। ये अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से कॉमन टू साइन सी, यहां भी टू साइन सी, यहां भी है। सो हमारा कॉमन आ गया 1/2 में टू साइन सी कॉमन हो गया। यहां क्या बचेगा? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी हो गया। अब यहां फॉर्मूला लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। इससे चाहो तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहां पर? साइन सी बचेगा। अब यहां देखना कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी, बस ये सी के प्लेस पे ये डी के प्लेस, कह सकते हो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है। तो ये हो गया ए माइनस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी ए माइनस बी माइनस सी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी। ये कॉस सी प्लस डी ये हो गया एंड कॉस सी माइनस डी ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन सी ऐसे लिखा है, टू का मल्टीप्लाई ये हो गया टू साइन सी। अब यहां देखो ये a और c पास पास ले आओ, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये पाई है तो a प्लस बी कितना है? पाई माइनस सी। अगर हम कहें ए प्लस सी चाहिए तो क्या आएगा? बी उधर जाएगा, ए प्लस सी कितना आएगा? पाई माइनस बी। और यहां देखो ये ए प्लस बी ए प्लस सी है, तो जैसे ए प्लस सी करोगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस बी। और ये ऑलरेडी पहले का एक बी लिखा हुआ था, इन दोनों को ऐड करके पाई माइनस बी आया, एक बी पहले का था, तो ये हो जाएगा कितना? टू बी अपॉन में कितना? टू इंटू में कॉस। सिमिलरली ये भी है, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिया हमने, तो जैसे माइनस कॉमन किया हमें मिलेगा बी प्लस सी। जब माइनस कॉमन कर लेंगे क्या मिलेगा? बी प्लस सी। यहां से बी प्लस सी निकालोगे तो ए उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए टोटल अपॉन टू। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा टू साइन सी, टू से अलग अलग डिवाइड करो, ये बनेगा कॉस पाई बाई टू माइनस बी बन जाएगा। और यहां देखते हैं ये क्या है हमारा इंटू में, ये इसी के साथ है, इसी का आगे लिखा हुआ है इंटू में यहां पर है। ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा ए माइनस पाई और प्लस का ए अपॉन टू। साइन 90 माइनस थीटा,
सॉरी cos 90 बाय थीटा, cos 90 बाय थीटा क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा। ये देखो इसको a प्लस a कितना हो गया 2a, और 2a को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा a माइनस पाई पाई अपॉन 2। यहां माइनस कॉमन कर लो क्योंकि cos है, cos पे माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये बन जाएगा पाई बाई टू माइनस ए, और पाई बाई टू माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए, तो ये आ गया हमारा टू साइन ए साइन बी और ये साइन सी। यही चीज वहां डायरेक्ट आई थी, ये फोर बना था और हमने वन बाई टू का बाहर मल्टीप्लाई था, तो कैंसिल होकर आया था टू साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये उसी का पार्ट है। उसके बाद जो हमने वहां पर डायरेक्ट किया था उस जगह पर तुम ये पूरा सोल्यूशन कर सकते हो, यहां से लेकर ये तुम्हारे पास आ जाएगा जो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, डायरेक्ट ना लिख के ये पूरा दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ रख दो x, y और z, तो ये भी तुम इसके बीच में कर सकते हो, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बना लेगा याद। ओके हो गया होगा स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं एट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर एट है नंबर गिवन है इफ साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा एंड प्रूव करना है देन प्रूव दैट थीटा इक्वल टू वन बाई टू साइन इनवर्स थ्री बाई थ्री बाई फोर। ये देखिए क्या गिवन है, साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा, ये हम सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसमें जो हमें गिवन है उसी को ले लेते हैं। गिवन क्या है, साइन पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा। अब यहां पे अगर हम देखते हैं ये साइन का टर्म है, ये किसका टर्म है कॉस का, अगर ये कॉस ना होते साइन का टर्म होता तो साइन और साइन होता तो क्या होते हैं हट जाते हैं, बस निकल के आ जाता। तो हम यहां पर कर क्या सकते हैं, ये साइन पाई कॉस थीटा ऐसे रहने देते हैं, ये कॉस पाई साइन थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा दोनों में कॉस आता है, साइन ये कॉस है तो हमने इसको क्या लिखा साइन 90 प्लस पाई साइन थीटा। देखना यहां पर हमने इसको क्या लिखा साइन 90 प्लस पाई साइन थीटा, ये साइन 90 प्लस थीटा होगा कॉस थीटा तुरंत बन जाएगा। अब हमने देखा ये भी साइन दोनों साइन हट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस ये पाई साइन थीटा, ये पाई साइन प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, सो पाई कॉस थीटा माइनस का पाई साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। यहां से यहां से यहां कॉमन मिल रहा है हमें पाई, मतलब पाई कॉमन कर लिया हमने इन दोनों टर्म से, तो हमें मिला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन टू। पाई एंड पाई क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये नेक्स्ट लाइन में हमारा कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, सो यहां पर जब स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसका हम डायरेक्ट होल स्क्वायर करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा, टू कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू का होल स्क्वायर वन बाई फोर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है वन, माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा इक्वल टू वन बाई फोर हो गया। वन बाई फोर प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये साइन टू का माइनस का उधर जाएगा प्लस का, साइन टू थीटा हो गया, वन माइनस वन बाई फोर करोगे कितना आएगा थ्री बाई फोर, किसके इक्वल साइन टू थीटा, तो लास्ट दो लाइन यहां देख लेना साइन टू थीटा इक्वल टू थ्री बाई फोर है, तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री अपॉन फोर, एंड आगे हम इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल जो मैं प्रूव करके लगा था
theta equal to 1 by 2 sin inverse 3 upon 4, यही हमारा क्या हो गया, hence proved, हमें यही prove करना था, theta equal to 1 by 2 sin inverse 3 by 4, केवल हमने यहाँ किया क्या, cos को change किया है, किसके term में, sin के term में, sin 90 plus theta करते हैं, उसके बाद pi को हटाया, whole square किया, यहाँ पे squaring both side है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हुआ यहां पर, इसके बाद सॉल्व किया हमें ये मिल गया। ओके सो नोट कीजिए जल्दी से, तो टोटल 12 क्वेश्चंस थे हमारे पास, जिनमें हमने 8 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया, रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे। बस ये सब अच्छे लेवल क्वेश्चंस थे, तो आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें बचे हुए 4 क्वेश्चन जो हमारे रह गए उनको कल हम डिस्कस कर देंगे। सो आज फिलहाल इतने रखते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा समझ में आए चीज़ें तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। सो बाकी आज फिलहाल कल अगले वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।